गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी क्या है ना, रोज की तरह बहुत गर्मी है और मैं जा रहा हूँ अब नहाने के लिए। मंटू आया हुआ है, तो मंटू का कहना है कि हम दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली में लोग पानी भी पी, हम लोग दिल्ली में पानी भी खरीद के पीते हैं, तो यहाँ पे पानी मिला है तो हमें नदी में नहाना चाहिए। तो मैंने कहा बात तो सही है, तो इसलिए मैंने हम लोग अब नदी में नहाने जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मंटू को लेने के लिए, क्योंकि मंटू जो है ना हमारा हिलता नहीं है बिना गाड़ी के, उसको चाहिए कार, मोटरसाइकिल में नहीं बैठता आजकल वो, तो इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। घर तक नहीं जाऊँगा, घर के पास जाऊँगा, फिर वहीं से हम लोग निकलेंगे बंदे को, और जो बंदे तक का, पहले मंटू के घर तक का, उसके बाद बंदे तक का जो रास्ता है ना वो भी बहुत एक्साइटिंग है, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखा कितने खूबसूरत होते हैं गांव के रास्ते, इसी गांव की खूबसूरती में रहते हैं हम लोग, लेकिन बड़े शहरों में जाते हैं हमें लोग गंवार कह देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मजा आता है कि वो चीजें भी हमें गांव से जोड़ के रखती हैं। यार बाकी दुनिया का नजरिया कुछ भी हो, मुझे यहाँ रहना, गाँव में रहना, पेड़ पौधों के बीच में रहना, नेचर के बीच में रहना बहुत पसंद है, इसका कोई तोड़ नहीं। इसके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, कोई भी बड़ा शहर, कोई बड़ी दुनिया, कुछ भी, एनीथिंग, आई कैन लिव फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन मैं मंटू कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि झूठ बहुत बोलता है, मैंने पहले भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा उसका झूठ। ये देखो वहां पे आ रहा है अभी, ये दिख रहा है नहीं, ये अब निकल के आया, कह रहा 1:30 बजे पहुंचने को बोला था या 1:30 बजे निकलोगे ये बोला था, इतने बहाने बनाता आज तक कभी ये टाइम पे नहीं आया, और हर बार यही एक्सक्यूज होता है, अच्छा 9:30 बजे, मैंने सोचा 9:30 बजे निकलूंगा बोला, अच्छा मैंने सोचा 8:30 बजे निकलूंगा बोला, सरोज कह रहा है अभी भी हमने बोला था 1:30 बजे यहाँ मिलूंगा, अभी कह रहा मैंने आपको मैसेज डाला था कि 1:30 बजे निकलोगे या 1:30 बजे मिलोगे, देखा ना यार, मतलब देखो यही है वो झूठा आदमी। देखो यही है वो झूठा आदमी जो कभी टाइम से नहीं आया आज तक, धूप में इसको सनबर्न हो गया, वैसे बहुत गोरा है ये, घर आया है तो सनबर्न हो गया, इसलिए थोड़ा सा टैन लग रहा होगा। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं कहीं नहा लेते हैं, लेकिन ये कह रहा कि हम ऊपर जाएंगे, तो गर्मी हो रही है वापस आने तक फिर ऐसे ही हो जाना है, समझते नहीं आजकल के बच्चे। देखो नहाने के लिए इतना संघर्ष, हमारा अचानक से प्लान बदल गया, भांजे ने मेरी बात मान ली, पता नहीं क्यों, आप कमेंट में बताइएगा कि भांजे ने नीचे ही नहाने के लिए हाँ क्यों बोला, शायद आगे का वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करके अभी बताना है कि भांजे ने नीचे नहाने के लिए कैसे अग्री हुआ भांजा। देखो नहाना भी इतना आसान काम नहीं है, हम नहाने के लिए भी इतनी मेहनत करते हैं, माय गॉड कैसी झाड़ियों से होके जा रहे हैं, देखो हम अपनी ज़िंदगी का एक क्या मकसद है नहाना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ ले जा रहा है, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, बिल्कुल घनघोर जंगल के बीच में फंस गए हम लोग। अब सच बताऊं तो रास्ता इसे भी नहीं पता, बस खाली जहाँ का आवाज़ सुन रहा है पानी की वहाँ को चले जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, नहा लेता हूँ बाकी फिर दिखाता हूँ, फिर पसीना पसीना हो जाना है।
तो ना लिया हमने इस जगह पे, बहुत मज़ा आया। लगभग 1.5 घंटा हम लोगों ने खुल के आया, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ना गोप्रो नहीं लाए थे, हमारी वाटर प्रूफ नहीं है, अगली बार दिखाऊंगा ज़रूर। अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से, काम करना है बहुत ज़्यादा घर जाके। तो मंटू को मैंने उतार दिया उसके घर पे, नहीं उसके बगीचे के सामने, तो वहाँ से अपने आप पैदल जाएगा वो, और मैं चलता हूँ अपने घर, थोड़ा सा काम करना है उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अब मार्केट जाऊंगा मैं, उसके बाद थोड़ा सामान लेना है। दीवू कह रही है कि मेरे लिए कुछ लेके आना, पर उसको खाने का कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए खेलने के लिए कुछ, तो कुछ टॉय टाइप का आइटम मुझे चाहिए, तो वो लेने मुझे भी मार्केट जाना है। बस दीवू को जाना था पार्क, तो हम फिर उठ के सीधे पार्क ले आए दीवू को। दीवू कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ अच्छा। बंदर ये नौटंकी रहती है इसकी, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, देखो खाली जिद करती है और वहां से इतना डरपोक है स्लाइड नहीं कर पा रही। पापा ज्यादा वीडियो को मत बनाओ। अब क्या खेलना है? तुमने सब कुछ खेल लिया? हाँ बताओ। हाँ घर चलें? आज का दिन बहुत हेक्टिक था, लेकिन अब मैं घर पहुंच गया, अब सोने का टाइम हो गया। इस ब्लॉग को एडिट करता हूँ फिर सो जाते हैं। बाय।